हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राज किचन रेसिपी में। मैं आपका दोस्त फ्रेंड राज, और आज हम बनाएंगे आलू की मसाला पूरी। और इसको बनाना बिल्कुल आसान है, और आप जो नॉर्मल पूरी बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटी लजीज लगती है खाने में, और चाय के साथ तो मज़ा ही कुछ और है इसको खाने का। तो चलिए आपको ज़्यादा बोर नहीं करते और मसाला आलू की पूरी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए। तो शुरू करते हैं मसाला आलू पूरी बनाना। तो फ्रेंड्स, आलू की पूरी बनाने के लिए मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, और मैं बनाने वाला हूँ थोड़ा सा यूनिक, और क्योंकि राज किचन रेसिपी का तड़का तो होना ही चाहिए। यहाँ 3 बॉयल आलू ले लिए हैं, अच्छे से इनको बॉयल कर लिया है। कुछ मैंने 15 से 20 करी लीव लिए हैं, और 5 से 10 मैंने ये पुदीने के पत्ते लिए हैं। 1.5 इंच मैंने अदरक लिया, इस तरीके से काट लिया। 3 हरी मिर्ची लिए है, और बढ़िया सा चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैंने ये मूंग दाल पापड़ लिए हैं 2। साथ में कुछ लेंगे लहसुन की कलियाँ 5 से 6। नमक लेंगे स्वाद अनुसार। 1 कप मैंने लिया है गेहूँ का आटा। थोड़े से लेंगे चिली फ्लेक्स, और हल्दी पाउडर लेंगे हम 1/2 टीस्पून। तो शुरू करते हैं बनाना चटपटी आलू पूरी। सबसे पहले हम आलूओं को छील लेते हैं। आलूओं को छील लिए, अब इनको काट लेते हैं हम बारीक बारीक, थोड़ा सा रफली। हमने काट लिए हैं, रखते हैं अभी आलू को साइड में। यहाँ पर लेते हैं मिक्सी का जार, इसमें डालते हैं लहसुन, साथ में डालते हैं पापड़। पापड़ डालने के बाद में हम डालते हैं इसमें पुदीने के पत्ते, कड़ी लीव्स, अदरक, साथ में हरी मिर्च, और डालते हैं इसमें 1 टेबल स्पून जीरा, 7 से 8 पिंड अजवाइन। और अब इसको पीस लेते हैं। एक बार को पीस लिया है, ये हटाते हैं ढक्कन, और अब इसमें ऐड कर देते हैं आलू। अब आलूओं के साथ एक बार और पीस लेते हैं। पीस लिया है ये आलूओं के साथ भी हमने, और अब इसको करते हैं एक बड़े बर्तन में खाली। इसको सारा खाली कर लिया है, अब इसमें डालते हैं काला नमक 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून ही डालते हैं सी सॉल्ट, साथ में डालते हैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी, थोड़े से डालेंगे घर में कुटे हुए चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा नहीं खाते तो रेड चिली डाल लें थोड़े से, लेकिन चिली फ्लेक्स काफ़ी तीखे होते हैं। और थोड़ा सा डालेंगे धनिया बारीक कटा हुआ, और एक बार इसको हम मिला लेते हैं। थोड़ा थोड़ा आटा लेकर इसको आटे की जैसे गूंथ लेंगे। कोशिश करें यहां पर आपको पानी यूज ना करना पड़े, तो ही मजेदार पूरी बनने वाली है आपकी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से आटा थोड़ा थोड़ा लगा के, जो हमने आटा लिया था उसे थोड़ा सा और ज़्यादा, यानी 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा आटा लगा है इसमें। और आप जब इस जगह तक लगा लेंगे इसको, तो ये आपके हाथ के चिपकेगा, तो चिपकेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक थोड़ा सूखा आटा डाल के आप इस तरीके से लगा लें, और अभी भी ये चिपकेगा। तो अब चिपकने का करते हैं, इसके अंदर लगाते हैं करीब तेल 1 टेबल स्पून, और अब इसको
इस तरीके से करके हम मत लेंगे अच्छे से। तो इसको हम अच्छे से मथेंगे, पूरी मस्त बनेगी। ये देखिए अभी भी हल्का सा चिपक रहा है, लेकिन अब नीचे पक रहा है। और आप इस तरीके से एक बार पूरी बना लेंगे, मैं आपको कंफर्म बोल रहा हूँ कि आप जो नॉर्मल पूरी है ना, उसके अलावा आप हमेशा आलू पूरी बना के खाएंगे। मैंने इसको इस तरीके से फ्लैट कर लिया है, दो हिस्से कर देते हैं इसके, और दो हिस्से करके अब इसको इस तरीके से चलाते हैं। इस तरीके से फैला लिया हमने, और अब इसकी लोई काट लेते हैं। बड़ी और छोटी आप काट सकते हैं, मैं थोड़ी सी बड़ी काट रहा हूँ। तो इसको रखते हैं इसमें, अगेन ये भी कर लेते हैं, काट के रख लेते हैं इनको भी। लोई हमने सारी तोड़ ली है, और अब जब और इधर तेल चढ़ा दिया हमने, तेल गर्म होने के लिए। तो तेल गर्म होता है जब तक हम तैयार कर लेते हैं पूड़ी। इस तरीके से राउंड घुमाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको आटे में लगाकर बेल लेंगे। थोड़ा सा लगाएंगे ऊपर, सुंदर सुशील लग रही है ना पूरी हमारी, पूरी की लोई। तो आप मेरे को बताना जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में, मैंने गोल बेली है नहीं बेली है। तो अब इसको उठाकर डालते हैं हम गरम तेल में। अभी अपने आप ऊपर आएगी, उसके बाद हमें इसमें डालना है तेल इस तरीके से। फिर पलट देना है इसको, ये फूल गई और ये एक बार और पलट देते हैं। तो ये तैयार है हमारी आलू की पूरी, अच्छे से क्रिस्पी कर ली है मैंने इसको। और आप एक बार डालेंगे तो ये फूल गई हमारी पूरी, और इसी तरीके से सारी पूरी तल लेंगे हम। ये हमारी आलू पूरी सारी बनकर तैयार है, कुछ फूली कुछ फट गई तो आपके साथ भी होगा। पर मैं आपको एक टिप बता देता हूँ, जैसे आप इसे बेलें तो एक तो हल्के हाथ से बेलें, दूसरा इसको ज़्यादा पतला ना बेलें, तीसरा इसको आप हाथों हाथ बेलें और हाथों हाथ तलेंगे तो ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से फूलेगी। तो फ्रेंड्स रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना ऐसी ही बढ़िया बढ़िया चटपटी रेसिपी पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स दोस्तों आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाया है चटपटा आलू पूरी उसको खाकर
खत्म करते हैं लहसुन की चटनी के साथ।